देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। सरकार द्वारा आंगनबाड़ी के लिए निकाली गई बहाली में लोग कितना सक्षम है आवेदन के लिए, इस बात का अंदाजा इससे ही लगा सकते हैं कि पहले चरित्र प्रमाण पत्र की होर लगी तो आवेदन की तारीख बढ़ाई गई, लेकिन पिछले 5 दिनों से जाति आवासीय प्रमाण बनाने में आवेदकों के पसीने छूट गए हैं। पूर्णिया पूर्व प्रखंड में सर्वर फेल है, जिससे आवेदकों का प्रमाण पत्र बनाने में मुश्किल हो रही है। हर रोज सैकड़ों की संख्या में आवेदक कतार लगाकर खड़े रहते हैं, लेकिन प्रमाण पत्र नहीं बन पाता। बताते चले कि आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के पद के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 5 अगस्त तक बढ़ा दी गई है, लेकिन फिर भी परेशानी है। हम लोग जाति आय निवास के लिए आए थे तत्काल के लिए, तो कल भी हम आए हुए थे, तो यहाँ बताया गया कि जो है सर्वर डाउन चल रहा है। कब से डाउन चल रहा है? इनका कहना है कि शनिवार से चल रहा है, हम तो कल से आए हुए हैं। शनिवार से जी। आज कौन सा दिन है? आज बुध हो गया, मतलब 5 दिनों से यहाँ सर्वर काम नहीं कर रहा है। हाँ, इनका कहना है, हम तो कल से आए थे, कल आए हुए थे। अच्छा, जातीय प्रमाण पत्र या आवासीय प्रमाण पत्र की जरूरत क्यों है इस वक्त? आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की जो बहाली निकली हुई है 5 तारीख तक, जिसका जी हाँ 5 तारीख तक उसको सबमिट करके वहाँ पहुँच जाना है। अच्छा, बाय पोस्ट, तो इसके लिए चल रहा है। तो सरकार का कहना हुआ है कि नहीं इसको मतलब करेंट चाहिए, तो करेंट के लिए तो तत्काल सेवा ही हम लोग सोचे। तो क्या ये तत्काल सेवा नहीं दे पा रहे तो आप फॉर्म भर पाएंगे? नहीं भर पाएंगे फॉर्म, नहीं भर पाएंगे। 5 तारीख से कितने पहले तक ये कागजात आपके पास हो जाने चाहिए थे? 5 तारीख से कम से कम जो है 3 तारीख तक हो जाने चाहिए, 2 दिन तो लग ही जाएगा स्पीड पोस्ट करके फिर जो है वहाँ पहुँचने में। मतलब पिछले 5 दिनों से इधर से अंदर से क्या कहा जा रहा है तक सर्विस ठीक होगा? अंदर से कहा जा रहा है कि हम पटना से बात किए हुए हैं, यह बात सिर्फ यहाँ की नहीं है, पूरे राज्य की बात है। पूरे राज्य की बात? हाँ, इनका कहना यही है या पूरे राज्य में लोग होंगे जो ये परेशान हैं इस परेशानी से, सर्वर सिस्टम से। कल भी तो देखे लगभग 100 आदमी कल भी थे, आज भी आप देख रहे हैं कि जो आदमी है और बहुत आदमी आ रहे हैं, नहीं काम हो रहा है। इनका कहना वक्त चले जाइए, काम आज नहीं होगा आपका, तो बहुत सारे लोग थे जो चले गए वापस से। 20 दिन लगातार है सर्वर तब से डाउन है? हाँ, सब से डाउन है, रोज आजकल आ रही जा रही, बोलता आज भी अभी बोला कि चले जाओ यहाँ से, कुछ नहीं होने वाला है। फिर बोले CEO साहब से, इसका मालिक BDO है, CEO है, उसको बुलाइए। तो बोला वो लोग भी नहीं आए, कोई नहीं आ रहे। शुक्रवार को आए थे यहाँ, तो यहाँ उस दिन लिंक था, लेकिन 3 लाइन में हम लोग खड़े हुए थे, बहुत सारे भीड़ थे, तो 3 बजे तो सिस्टम बंद कर दिया, बोला नहीं होगा, 3 बजे के बाद नहीं लेते हैं। कितना हम लोग रिक्वेस्ट किए फिर भी नहीं लिए। उसके बाद तबीयत खराब हो गया, फिर आज हम आए। तो ये बताया जा रहा है पिछले 5 दिनों से सिस्टम खराब है? हाँ, 5 दिन से सिस्टम खराब है, लेकिन शुक्रवार को हम लोग आए थे तो लाइन में लगे हुए थे सब आदमी, उस दिन हो रहा था, लेकिन 3 बजे के बाद ये लोग बंद कर दिए। उसके बाद से 3-4 आदमी हम लोग बचे हुए थे, लेकिन नहीं लिए ये लोग, कितनों हम लोग रिक्वेस्ट किए नहीं थे। इस बारे में शिकायत अंदर की है ब्लॉक में किसी से? तो हम लोग गए CEO के पास की बोलेंगे, लेकिन वहाँ मीटिंग चल रहा था, तो हम लोग गेट में धक्का उक्का दिए, लेकिन नहीं। क्या नाम है? कंचन। कौन से पद के लिए ये आप लोग? आंगनबाड़ी सुपरवाइजर। सुपरवाइजर के लिए थोड़ा सा, फिर वहाँ अपना ब्लॉक गए गम्हरिया, बोलेंगे अपना मार्गे से बनवाइए, फिर यहाँ पूर्णिया आए हैं तो यहाँ सुन रहे हैं सर्वे डाउन चल रहा है। आप जो फॉर्म अप्लाई कर रही हैं वो कहाँ से कर रही हैं? सुपरवाइजर का है। पूर्णिया से कर रही हैं? नहीं, मधेपुरा से कर रहे हैं। वहाँ बोला गया ब्लॉक में क्या आप अपने मार्केट से बनवाई जाती, क्यों आपका वहाँ पर कागजात नहीं है, वोटर आई कार्ड वगैरह नहीं है? वहाँ नहीं लिया, बोला अपने मार्केट से जाती बनवाई। हाँ है वहाँ का, वहाँ नहीं लिया, बोला मार्केट से बनवाई, इसलिए मार्केट से ले। हाँ, पिछले कितने दिनों से परेशानी आ रही है यहाँ से? बहुत दिन, 10 दिन से करीब परेशान हम हैं वहाँ सर। वहाँ पहले गए अपना ब्लॉक से, फिर वहाँ से यहाँ भेजा गया। आपका ब्लॉक 2 घंटा वहाँ गम्हरिया बाजार मधेपुरा ब्लॉक में ही है। अच्छा, अब आपको यहाँ भेजा गया? हाँ, यहाँ आपका यहाँ। हाँ, दिक्कतें आ रही है आप लोगों को? सर बहुत स्लो, क्या खुल ही नहीं रहा है, मात्र 2 आवेदन सुबह में लिए हैं। हाँ, उसके बाद नहीं। के दिन से डाउन चल रहा है? कितना दिन से डाउन चल रहा और क्या परेशानियाँ आ रही? सोमवार से। शुक्रवार से? सोमवार। सोमवार से। तो जैसे ये लोग जाति निवास से आए जो बनाने के लिए आ रहे हैं, फिर इसका क्या हल निकलेगा? ये सर हम लोग कुछ पदाधिकारी को भी संज्ञान में दिए हुए हैं। हाँ, अब कुछ पदाधिकारी जो निर्देश दे उसके मुताबिक, आज भी सर IT मैनेजर सब से बातचीत हुई है, अब अगला आदेश का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। तो मतलब हर क्षेत्र में, मतलब जितने भी काउंटर है सब में आ रहा है? सर काउंटर नहीं, जाति आय निवास से संबंधित
हेलो सर्वर सर्विस प्लस का जो सर्वर है उसका जॉब है। हाँ इसका अभी तक कोई ये नहीं हल नहीं निकला है। पूरे बिहार भर का ये समस्या है, पूरे बिहार भर में से सबको अपना पदाधिकारी को दे रहा है। क्या लगता है, क्या लगता है कब तक सही हो जाएगा ये आदेश? सर हम नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हम आधिकारिक रूप से नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कुछ ही देर में वहाँ से निर्देश आ जाएगा, हम इस साइड पर लिया करो सर, ले लिया करेंगे हम। सर तो ले लेने से फिर आप देंगे कैसे जब सर्वर डाउन है? इस सर्वर पर नहीं, पुराना वाला 15 तारीख से पहले जो अधिकार सॉफ्टवेयर था उस सॉफ्टवेयर पर कहीं आदेश हो जाए। अभी सॉफ्टवेयर चेंज हुआ है क्या? हाँ सॉफ्टवेयर नया चेंज, सर्विस प्लस। तो इस बारे में आप लोगों ने कभी आगे बात की, ऊपर बात की, उन्होंने क्या कहा ऐसी जो परेशानी आ रही उसका कोई समाधान निकलेगा? रोज तो हम बोल रहे हैं, सर भी बोल रहे हैं अच्छा देख रहे हैं आज, लेकिन खुद अपने से भी फोन किए हैं सर, क्योंकि जब ये सॉफ्टवेयर को आवेदन लिया गया तुम लोग के द्वारा तो हम लोग बता दिए हैं अपना ये सॉफ्टवेयर के द्वारा ये परेशानी आ रही है, नहीं सक्सेस हो रहा, तो क्या पुराना पे काम करने से नहीं होगा? हम अपने मन से हम नहीं, मतलब वो लोग आप लोगों को आदेश नहीं दिया, ये खबर आप आदेश नहीं दिया गया, आदेश दिया जाता तो हम लोग